अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलने वाले फाइव नाइट फ्रेडीज पार्ट वन। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैंने मूवीज को तो बहुत एक्सपीरियंस किया, हॉरर मूवीज तो मैंने बहुत देखी है, उनका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन कभी मैंने हॉरर गेम को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर मैंने जाके गूगल पे जाके मैंने रिसर्च की तो मुझे काफ़ी सारी बेस्ट हॉरर गेम्स मिली, लेकिन वो हार्ड कोर थी। मुझे हार्ड कोर से अभी स्टार्ट नहीं करना था, मुझे सॉफ्ट कोर खेली थी, तो मैंने कहा क्यों ना फ्रेडी से स्टार्ट किया था। और फ्रेडीज के एक्चुअली काफ़ी सारे पार्ट है, सिस्टर लोकेशन है, वीआर पे भी है, काफ़ी सारे एक्चुअली पार्ट है। तो फिर मैंने कहा फ्रेडी वन से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज हम खेलने वाले फ्रेडीज और न्यू गेम से स्टार्ट करते हैं। गेम को न्यूज़पेपर आ गया और आई थिंक हम इसको ही देख के जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं। और यहाँ पे 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक जॉब करनी है और हमें $120 मिलेंगे और इस काम करने के। सुबह 12 बज रही है और फर्स्ट नाइट हमारी स्टार्ट हो गई है 12 AM। गेम हमारी थोड़ी सी लोड हो रही है, टाइम थोड़ा सा शायद लगे और हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं गेम हमारी लोड होने में। यहाँ एक टाइमिंग का सिंबल आ रहा है और फाइनली हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और एक फोन आ रहा है और मैं मूव करके देखते हैं, और इसमें हम गेम में मूव नहीं कर सकते। आई थिंक ज़्यादातर हमारा सिर्फ माउस का ही काम है, इसमें कीबोर्ड का कोई काम नहीं है। कॉल तो पिक कर ही सकते हैं लेकिन माउस से भी कोई कॉल वगैरह नहीं पिक हो रही। जहाँ तक है ये डोर है, लाइट है, गैस। प्लीज प्लीज टेल मी द मैसेज। यस ओके ओके लास्ट वीक। वॉर इट फॉर व्हाट? किससे भाई? ठीक है, हम फोकस करेंगे अपने काम पे। ओके, हमारे यहाँ कैमरे स्टार्ट हो गए जहाँ पे A1A लिखा हुआ है, 1B लिखा हुआ है, 1C लिखा हुआ है, 5 कैमरा। What do you mean? I'm not a... भाई ये क्या भाई, तू और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? Okay. The animatronic characters here would probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. आई थिंक ये जो हमें फर्स्ट में ही नजर आ रहे हैं ये तीनों ही कैरेक्टर्स हैं और ये बच्चों के बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तो हमने इनके ऊपर जो थोड़ी सी नजर रखनी है। मतलब ये शरारतें करते हैं, उस शरारतों के दौरान हमें जो डरा भी सकते हैं, तो हमने उससे बचना है। ओके ओके, मतलब थोड़ा सा रिस्क है कि रात की जो है वॉचमैन की ड्यूटी करना, वो थोड़ा सा रिस्क है इसमें। कैमरा बी, कैमरा सी, कैमरा अभी ए तो नॉर्मल है, स्टिल है। कैमरा 7 बी ऑलमोस्ट स्टिल है, कैमरा 6, कैमरा 6 इज ब्लैक आउट। ये मुझे नहीं समझ आ रही है कि काला क्यों है भाई, ब्लैक आउट क्यों यहाँ। कैमरा 4A, 4B, 2A, 2B, ओके। आई हैव सीन द कैमरास, मैं देख रहा हूँ भाई कैमरे को। उसने कहा कैमरे को नजर रखना। और यहाँ पर तीन कैरेक्टर थे और यहाँ से एक गायब हो चुका है। उसने कहा कैमरा को भी देखना और अपनी जो है डोर्स को भी देखना। हमारे एक राइट साइड पे भी डोर था, हमारे राइट साइड पे वेंट है और जो है ना हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो एक डोर है, एंट्री डोर है। हमने इस पर भी नज़र रखनी है और साथ ही हमने कैमरे पे भी रखनी है। कैमरा ए से एक हमारा करेक्टर गायब हो चुका है, बी में जो है अभी तक स्टिल वैसे ही है। कैमरा 5 में हमारा करेक्टर नज़र आ गया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अभी एक डम डम वाली साउंड भी आ रही है, ये थोड़ी सी वियर्ड है। और वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीपी बना रखा है, देखा जाए तो थोड़ा सा एक्चुअली हॉरिबल वाली फील आ रही है। और हमारा करेक्टर अभी तक स्टिल वही है, कैमरा 5 पे। कैमरा बी ए में अभी दोनों वही मौजूद है, कैमरा 5 से हमारा गायब हो गया करेक्टर।
मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं अचानक से आके धपा करेगा। कैमरा 6 जो है भाई वो स्टिल वैसे का वैसा ही है, ब्लैकआउट कैमरा ए कैमरा बी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई ना कोई आएगा, वेंट से आएगा या यहाँ से कोई ना कोई आने वाला है भाई। कैमरा 2A वैसे का वैसे ही है यार, मुझे बार बार कैमरा को बंद करके देखना पड़ रहा है। सी मुझे पक्का लग रहा है जब मैं कैमरा को चेक करूंगा ना यहाँ से कोई ना कोई आएगा। मुझे वेंट से फिर इतना नहीं लग रहा जितना इस मेन डोर से लग रहा है। अब दोबारा ए पे आगे और यहाँ बी 1C ऑलमोस्ट 3 AM हो रहे हैं सुबह के। कैमरा 5 में भी अभी तक कोई नहीं है। कैमरा 7 कैमरा 6 इज अ ब्लैकआउट। कैमरा 6 वैसे का वैसे ही ब्लैकआउट है और कैमरा 4A में आ गए हैं लिटरली। यार मुझे तो एक तो इन्होंने क्लिप ही बना रखा है, दूसरा ऊपर का हॉरर थोड़ा सा म्यूजिक भी है। वेंट को देख लेते हैं अपने, वेंट को ऐसा ना कोई वेंट वाली साइड पे आ जाए मेरा ध्यान हो मेन डोर की तरफ। और यहाँ पे नजर आ गया, मैं मुझे लगा ही था इसलिए मैं कैमरे को नहीं देख रहा था भाई। वो आके सीधा पिकअप वो करने वाला था, अब वो फाइनल चला गया वो। हम अपना दोबारा से डोर ओपन कर देते हैं। डोर मैंने दोबारा से ओपन कर दिया है और लाइट मैंने ऑन करके देख ली है, वो एक्चुअली वहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर देख लेते हैं भाई, पता चले हम जिस तरह कैमरे में एंटर हों और वो हमारे आके धपा कर दे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। सी बी ए 1A में भी अभी तक हमारे स्टील ने करेक्टर 7। मुझे ऐसा एक पल के लिए फील हुआ कि मुझे लगा कि वो हमारे करीब आ गया। सुबह के 4 AM हो रहे हैं और 6 जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैकआउट ही है। मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ, वंस अगेन फील हुआ। कैमरा 6 वैसे का वैसे ब्लैकआउट है, कैमरा 7 नॉर्मल चल रहा है अभी तक, कैमरा 5 भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही चल रहा है। हमारा गेट भी होना भाई, देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि गेट उसने सिस्टम में जाके उसने गेट को लॉक कर दिया, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ जैसे सेफ्टी के लिए चेक किया है। कैमरा 3 कैमरा 2A में यहाँ पे मौजूद है हमारा करेक्टर 3rd, ये रहा। अगर थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट ब्लैकआउट है। स्टिल अपना वहीं मौजूद है। कैमरा ए में हमारे अभी तक दोनों करेक्टर्स ही मौजूद हैं। कैमरा ए में हमारे अभी तक जो है वो स्टिल हैं हमारे तीनों, दो आई थिंक दो जो है हमारे करेक्टर्स स्टिल हैं और कैमरा 2A में हमारा 3rd करेक्टर है। और अभी तक तो डोर पर कोई नहीं आया। कैमरा 2A में अभी तक मौजूद ही है। कैमरा 4A 4B वो नॉर्मल स्टिल है अभी तक। सुबह के ऑलमोस्ट 5 AM हो रहे हैं, फर्स्ट नाइट हमारी चल रही है। कैमरा 6 वैसे का वैसे ही ब्लैकआउट है अभी तक। यार ये ब्लैकआउट होना तो नहीं चाहिए जो अभी तक ब्लैकआउट है। कैमरा 5 नॉर्मल है। कैमरा AC भी जो है ना वो नॉर्मल है। 3 भी नॉर्मल है। 2A में ही वो अभी तक मौजूद है, वहीं पर है। मुझे नहीं पता वो स्टिल क्यों है। 2B में भी अपना जो है अभी स्टिल ही चल रहा है, अभी कोई हरकत नहीं हुई। मैं जस्ट सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ यार। डोर इज मतलब ओपन है, ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, यही अच्छी बात है। हमने दोबारा अपने कैमरा को ऑन कर लिया। 3 में मौजूद, 3 में आ गया तो ब्लैकआउट हो गया। अब तो ब्लैकआउट हो गया लिटरली। मैं दूसरी दफ़ा बच रहा हूँ भाई, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। मुझे लगा नहीं था, मैं तो जस्ट सेफ्टी के लिए जस्ट चेक किया था मैंने, और वहाँ से सिर्फ जस्ट हाइड हुआ है और हमने जो है अब तो वहाँ से चला गया। खैर ओह माय गॉड, लाइट भी चली गई है और हमारा 6 AM भी हो गया, मतलब हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, हम बच गए हैं। मुझे लगा नहीं था जिस टाइम लाइट चली गई थी उसी टाइम अचानक से हमारी शिफ्ट ओवर हो गई है, सुबह हो गई है। फाइनली हमारी सेकंड नाइट जो है चालू हो गई है और 12 AM हो रहे हैं, सुबह के 12 बज रहे हैं। हमारी दूसरी रात चल पड़ी है, दोबारा नाइट ऑन हो गई है और वंस अगेन हमारी गेम लोड हो रही थी।
सेकेंड नाइट 12 AM वंस अगेन कॉल आ रही है, कॉल लाइट हमारी जो है दोबारा से चल रही है, ऑन ऑफ हो रही है, डोर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, यही अच्छी बात है यार, प्रॉपर काम कर रहे हैं। कॉल यार ने ऑप्शन ही दिया, अपने आप पिक हो गई है कॉल। यस यस कॉल म्यूजिक, यस थैंक यू। उसने अभी ये कहा है कि वो प्रॉपर प्रेस प्लेस पे होने चाहिए और यहाँ पे जो है अभी से ब्लैकआउट हो गया भाई। देयर इज एसी में एक कंडक्टर हमारा नजर आ गया, दूसरा बाकी दो अभी स्टिल हैं। ओके मैं इसकी साउंड सुनने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। ओके ओके आई एम, मैं चेक कर रहा हूँ लाइट्स भाई, मैं लाइट्स को ही चेक कर रहा हूँ। सी में स्टिल है अभी तक, फाइव में भी स्टिल है भाई, फाइव में भी है, अब तो ब्लैकआउट हो गए हैं। वेंट में वेंट वाली साइड से कोई नहीं है, मेन डोर पर भी अभी कोई नहीं है। कैमरा 7 इज अ स्टिल और 6 तो वैसे शुरू से ब्लैकआउट है। कैमरा 4A और 4B में अभी तक कोई हलचल नहीं हुई, वो अभी तक स्टिल है। कैमरा 2B और 2A में अभी तक तो स्टिल है, सुबह के 1 बज रहे हैं। सी में वहीं खड़ा हुआ है, अगर आपको नज़र आया हो तो ये खड़ा हुआ है सी में, और बी में हमारे बहुत ज़्यादा क्लोजअप कैमरे में खड़ा हुआ है, और ए में वहीं अपना जो है ना फ्रेडी हमारा बैठे हुए हैं, फ्रेडी ये बैठा हुआ है। मतलब अभी ए बी सी में तीनों में ही कैमराज में मौजूद हैं तीनों करेक्टर्स, ये थर्ड करेक्टर हमारा ये रहा, और लिटरली मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि इनको, बी में ये रहा सुबह के वही 1 बज रही है, बी में स्टिल है, ए में भी स्टिल है, सी में जस्ट मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सी में भी वो अभी मौजूद है और बी में मौजूद है। कैमरा 5 में भी मौजूद है, यहाँ पर बताया गया था 3 करेक्टर्स है लेकिन बट यहाँ तो 4 हैं, यहाँ पे या तो ये हमें फर्स्ट नज़र नहीं आया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा 5 में भी यहाँ पे करेक्टर मौजूद है, 5 सी और बी, और यहाँ पे ए में भी टैडी बैठा हुआ है, यहाँ से 5 से गायब हो गया, 5 से जो है गायब हो गया भाई, बी और ए में तो वैसे स्टिल का स्टिल है और बी में है, मैं जस्ट 7 चेक कर रहा हूँ, 7 में भी अभी तक कोई हलचल नहीं हुई, 4A में भी कुछ नहीं है, 4B में भी एक्चुअली कुछ नहीं है, और 2A में भी अभी तक कोई, अब ब्लैकआउट हो गया, अभी लिटरली ब्लैकआउट हो गया, सारे के सारे कैमरे जो हैं वो बंद हो गए हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ लेकिन वो कैमरे बंद हो गए हैं, अब दोबारा से रीस्टार्ट हो गए कैमरे, और ए में वैसे के वैसे स्टिल है, और बी में जस्ट मैं सेफ्टी के लिए चेक कर रहा हूँ, वेंट को भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से मैंने वेंट को एक्चुअली चेक नहीं करा, मैं सिर्फ मेन डोर को ही देख रहा हूँ, और ये आई थिंक मेरी गलती ना हो कहीं। 1A में अभी तक स्टिल है हमारे फ्रेडी, एंड बी में जो है हमारे करेक्टर वहीं मौजूद है, 3 में भी और 5 भी स्टिल है अभी तक, 2A में हमारे करेक्टर नज़र आ गया, मुझे थोड़ा सा धुंधला नज़र आया है लेकिन एटलीस्ट नज़र आ गया मुझे। 2B में भी अभी तक हमारे जो है ना लोकेशन इज अ स्टिल, 4A भी नॉर्मल है, 4B भी नॉर्मल है, 6 तो वैसे शुरू से ब्लैकआउट जा रहा है, कैमरा 7 ऑन हो चुका है भाई, मुझे अब थोड़ी सी जो है साउंड आ रही है लेकिन वो थोड़ी सी हैप्पीनेस वाली साउंड है, लेकिन वो ये हैप्पीनेस वाली है नहीं साउंड, ये अभी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे। 4B और 2A स्टिल है अभी तक, ये रहा 2B में हमारा करेक्टर नजर, एंड 3 कैमरा 3 इज स्टिल नॉर्मल, 1C में हमारे करेक्टर नज़र आया है जो हमें डराता हुआ नज़र आ रहा है, अभी साउंड आई है मुझे, लिटरली मुझे साउंड आई है, वेंट की तरफ से तो अभी तक कोई नहीं आया, और ये भाई साहब जिस तरह मुझे नज़र आए हैं
कैमरा 5 में थे। वैन की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, वैन की तरफ से अभी तक तो कोई नहीं आ रहा। और कैमरा A को हम ऑन करके देख लेते हैं, अब टैडी वहीं है और ये यहाँ से जा चुके हैं, यही अच्छी बात है। मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, वो फाइनली वहाँ से जा चुका है। और कैमरा A बी में ब्लैकआउट हो गया, वंस अगेन ब्लैकआउट हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। A वन ए में अभी तक वहीं के वहीं स्टिल है यार, ये अभी तक स्टिल है, ये स्टिल क्यों है यहाँ पे? मैं वेंट ज़रा देख लूँ, वेंट में भी अभी तक कुछ हलचल नहीं हुई। ए भी स्टिल है, नॉर्मल है। और सी में हमारा यही करेक्टर अभी तक मौजूद है। और यहाँ से 5 जो है नॉर्मल है, 3 भी नॉर्मल चल रहा है अभी तक। 2A में अभी तक कोई हलचल नहीं है, 2B में भी कोई हलचल नहीं है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हमारे इसी गेट के पास है। 4A में तो ये बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुका है यार, ये देखो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 4B इज़ द नॉर्मल, 4B बहुत ज़्यादा नॉर्मल जा रहा है। और हमारे सुबह ऑलमोस्ट 4 AM हो रहे हैं, मैं इसको 4A को ही देखता हूँ स्टिल। 4A और 4C ओ सॉरी 1C को दोबारा से चेक करते हैं। 4A मुझे नहीं पता हमारा एक थर्ड करेक्टर कहाँ चला गया है, मैं एक दफ़ा 5 को चेक कर लूँ। 5 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4A में दोबारा आ जाते हैं, 2A में है, 2A में है, 2A और 4A में, ये दोनों में ही करेक्टर्स मौजूद। अब वहाँ से जा चुका है वो, ये हमारा यहाँ पे करेक्टर मौजूद था, अब वो जा चुका है। लिटरली अगर आपको पेशेंस रखना तो अब आपको ज़्यादा डर लगता है, और अभी जो है मुझे एक जंप स्केयर से ही थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है। 2B में हमारा ये रहा, क्यों ओपन हो जाते हो यार, मतलब मॉनिटर बार बार ओपन हो जाता है। 2A में अभी तक स्टिल है, 2B में भी अभी तक वो स्टिल है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। और ऐसा ना हो कि मैं बस जस्ट कैमरे को देख रहा हूँ और वो वेंट से तो नहीं आ रहा, मैंने वेंट को तो कई दफ़ा देखा भी नहीं है। सुबह के 5 बज रहे हैं, फाइनली ऑलमोस्ट 1 आवर रह गया लेफ्ट, और जिस तरह 1 आवर गुजरेगा हमारी थर्ड नाइट स्टार्ट हो जाएगी। यार प्लीज़ जल्दी से गुजर जाए, तो जिस तरह टाइम लिटरली ऐसा ही होता है कि जब आपका टाइम थोड़ा सा रह जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका गुजरना। 3 में स्टिल है। ओ कैमरा ओपन रहने दे यार, ओ माय गॉड, यहाँ पर लाइट चली गई है और मुझे नहीं पता अब क्या होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और मैं किसी चीज़ को एक्चुअली में ही नहीं, हर चीज़ फ्रीज होगी, मैं किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगा सकता, मैं कुछ चीज़ नहीं चली। और एक साउंड आ रही है, ओ यहाँ पे एक फ्रेडी, शायद आई थिंक फ्रेडी है, या शायद फ्रेडी ने तो कोई और है, लेकिन अभी तो स्माइल दे रहा है, मुझे लग नहीं रहा ये स्माइल ज़्यादा देर तक रहेगी। ये क्या हुआ, ये तो लाइट चली गई है, तो फुल ब्लैकआउट हो गया, पहले तो एटलीस्ट समझ नज़र तो आ रहा था। मुझे लगा नहीं था कि यार मतलब इस तरह का जंप स्केयर आएगा, ओह मतलब इस तरह का जंप स्केयर आएगा, मुझे एटलीस्ट मुझे लगा शायद कि जब हम कैमरा को देख रहे होंगे तब जंप स्केयर आएगा, लेकिन इन्होंने तो भाई इस तरह डिज़ाइन किया कि वो लाइट चली गई, लाइट के बाद अचानक से ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट के बाद उसने आके हमें डराया है। दोबारा से गेम को अपने कंटिन्यू करते हैं सेकेंड नाइट से, और वही 12 बज रही है, सो सेकेंड नाइट हमारी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। टाइम और एक टाइम का सिंबल आ गया नीचे, गेम लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं, या हमें आई थिंक शायद दोबारा से करनी पड़ेगी हमें नाइट, देखते हैं कितनी देर लगती है इसमें। अगर चलो गाइस फाइनलाइजेशन जो है ना दोबारा से ये ऑन हो चुकी है, हमारी सेकेंड नाइट दोबारा से चल पड़ी है। इस दफ़ा फ़ोन तो नहीं आया उसका, ये शायद आ भी जाए। अब इस दफ़ा डम डम की आवाज़ आई है और ये थोड़ी सी हॉरिबल है। हमारे तीनों करेक्टर्स यहाँ मौजूद है, लेकिन बट ये करेक्टर यहाँ से नहीं हिलता। 1B में ब्लैकआउट, 5 में ब्लैकआउट हो गया, सी में ब्लैकआउट हो गया, 3 में भी ब्लैकआउट हो गया है। ए और बी, 2A 2B में दोबारा से फाइनली कैमरा जो है ऑन हो चुके हैं। ए बी में अब भी मुझे ब्लैकआउट जो है सही हुआ था और दोबारा से ब्लैकआउट हो गया। 6 तो शुरू से ही ब्लैकआउट है, पता नहीं क्यों। कैमरा 4B
कैमरा 2A, 2A नॉर्मल है, नॉर्मल में एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई करेक्टर खड़ा हुआ हमारा। और 3 भी नॉर्मल है, सी भी एक्चुअली नॉर्मल, सी में लास्ट टाइम तो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था लेकिन इस दफा कोई नहीं खड़ा हुआ। और बी में ये रहा हमारा करेक्टर, सेकंड या थर्ड वाला करेक्टर ये रहा, और फर्स्ट हमारा वही वहीं पे स्टिल है डैडी। यहाँ पर कुछ स्केरी फेसेस ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, या शायद हो भी सकता है इनमें इसके, या शायद ये हो, मे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए बी में अभी तक वो मौजूद है, ए सी में भी मौजूद है, एंड ए वन में मौजूद है, ए में मौजूद है, थर्ड कैमरा में भी स्टिल है, नॉर्मल है। 2A में हमारा एक करेक्टर अभी मौजूद है, मैं ज़रा सेफ्टी के लिए चेक कर लूँ, वेंट को भी चेक कर लेते हैं, दोबारा कैमरा ऑन करते हैं। और 4A जो है नॉर्मल है, 4B भी नॉर्मल है, सिक्स कैमरा तो यार ऑलमोस्ट ब्लैकआउट ही जा रहा है। कैमरा 2A एंड 2B में हमारा करेक्टर एक नज़र आ गया जो एक स्टिल कैमरा के सामने खड़ा हुआ है। कैमरा अभी तो ब्लैक, अब तो लिटरली ब्लैकआउट हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब ब्लैकआउट क्यों हो गया। कैमरा ए भी ब्लैकआउट हो चुका है, कैमरा बी में दोबारा कैमरा चालू हो गया, और इस दफ़ा ये हमारे नज़दीक आ गया भाई, वहीं पे मौजूद है करेक्टर हमारा, सेकंड करेक्टर वहीं मौजूद है। और ये जो थर्ड वाला है ये यहाँ पर हमें स्केयर करने आया था, हमें डराने आया था, लेकिन हमने फाइनली देख लिया मौके पे, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा यार। जा भाई जा, काम कर, मैं हूँ ही नहीं यार, मैंने तो ये देखा ही नहीं, आई एम नॉट सीइंग यू यार ब्रो, प्लीज़ गो अवे, जा यार जा कहीं काम कर भाई, ये तो स्टिल खड़ा हुआ है, मैं हूँ ही नहीं, मैं कैमरा देख रहा हूँ, आई एम नॉट हियर, मैं हूँ ही नहीं। सी में वैसे ओ गया, क्या गया फाइनली गया, ऐसा मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मैंने जिस तरह ही डोर खोलूँ तो भाई वो सामने मेरे मुंह के ऊपर आके भाई चिपक जाए, तो वो मुझे नहीं चाहिए यार, उससे स्केयर है, उससे डर लगता है भाई। कैमरा बी में यहाँ अब तो क्लियर नज़र आ रहा है उसकी अब तो पूरी बॉडी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, अब वो बी से फाइनली गायब हो गया, इतनी देर में गायब हो गया, मैं सिर्फ जस्ट डोर को चेक किया और वो वहाँ से गायब हो गया। सी में कुछ नहीं है, बी में डी भी जो है ना नॉर्मल है, क्लियर है, ए भी वैसा है, थर्ड में मौजूद है, मैं फिर एक दफ़ा चेक कर लूँ, जो 2A एंड 2A में मौजूद है, 2A में मुझे लिटरली ऐसा नहीं है वहाँ पे, दूसरा मुझे थोड़ा सा व्यायाम हुआ और मैं जस्ट चेक कर रहा था, लेकिन 4A में ज़रूर मौजूद है, 4A अब तो ब्लैकआउट हो गया। ये रहा, मुझे एक पल के लिए ऐसा शक हुआ कि यार ये मेरे क्लोज आया हुआ है, मेरे करीब आया हुआ है, तो मैंने जस्ट चेक किया, मैं एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं, अब तो फाइन चला गया। ऑन कर देते हैं गेट को, दोबारा ओपन कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है, जब हम गेट को जो है क्लोज रखते हैं तो ये शायद लाइट भी जो है ना कट कर सकते हैं, हमारे लिए लाइट भी बंद कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ से भी थोड़ा सा जो है ना केयरफुल होके चलना है। मैं लाइट ज़रा एक दफ़ा जो है मैं डोर को चेक कर लूँ, 3 AM हो रहे हैं, अब टैडी वैसे का वैसे स्टिल है, सी में कुछ नहीं है, 5 भी स्टिल है, 3 मैं जस्ट चेक कर लूँ, वेंट को भी चेक करना चाहिए, ऐसा ना वेंट से आ जाए कोई ना कोई। 2A, 2B में मौजूद है, 4A, 4B एंड 6 तो शुरू से ही ब्लैकआउट है। मुझे जस्ट एक लिटर सा साउंड आया और मैंने सिर्फ चेक करने आ गया, मैंने कहा इस साउंड किस चीज़ का है, 6 को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही ब्लैकआउट जा रहा है, आई डोंट नो मतलब ब्लैकआउट क्यों है ये। A, B, 2A, 2B में कुछ भी नहीं है, स्टिल है, नॉर्मल है, 3 में भी नॉर्मल है, सी में सी भी नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है, ए व्हाट द हेल, मैं सिर्फ जस्ट चेक कर रहा था कि भाई वो वहाँ मौजूद तो नहीं है, वहाँ पे आ तो नहीं गया डोर पे, मैं जस्ट सिर्फ चेक कर रहा था, वो इस दफा टू फास्ट हो गया। मुझे इस गेम की एक बात अच्छी लगी कि यार जिस तरह आप थोड़े से आगे प्ले करते जाते हैं तो ये थोड़ी सी हार्ड होती चली जाती है, और ये थोड़ी सी अच्छी बात है। दोबारा से अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, वो हमारी दोबारा सेकेंड नाइट चल रही है,
देखते हैं इस दफा हम थर्ड नाइट पे जा पाते हैं या नहीं जा पाते। और वंस अगेन हमारी जो है वो टाइम का सिंबल आ गया, वो लोड कर रहा है गेम को, देखते हैं कितनी देर में लोड होती है। फाइनल गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड नाइट वही रात 12 बजे, डोर सही चल रहे हैं, लाइट भी चल रही है, डोर क्लोज भी हो रहे हैं, ओपन भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ से हमारा आते साथ ही थर्ड करेक्टर गायब हो गया है, और ये रहा बी में मुझे नज़र आ गया भाई, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई वांट टू सी यू, बी में है, थ्री में एंड टू बी, फोर लास्ट टाइम की तरह ना हो जाए भाई, मुझे जब थोड़ा सा केयरफुल होके चलना चाहिए। सेवन में और सिक्स में एक्टिविटी मैंने जब से मैं स्टार्ट किया गेम खेलने, तो इसमें दोनों में इस प्लेसेस में हुई नहीं एक्टिविटी, तो ए बी टू बी फोर ए फोर बी में अभी तक कोई स्टिल है, कोई एक्टिविटी नहीं। सी में मैं जस्ट चेक कर लूँ, बी जो है वहीं हमारा करेक्टर स्टिल है, मुझे लगता है फाइव में आई थिंक होना चाहिए, लेकिन फाइव में नहीं है। ए में वैसे के वैसे हमारा एक करेक्टर स्टिल खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। और सी भी जो है नॉर्मल है, थ्री में होना चाहिए, थ्री में भी नहीं है इस दफ़ा, टू ए में भी नहीं। मुझे एक साउंड आई, फोर ए में भी जो है स्टिल नॉर्मल है, फोर बी भी जो है इस टाइम नॉर्मल है, थ्री मैं जस्ट चेक कर लूँ, सुबह के 1 बज रहे हैं, सेकंड नाइट चल रही है, और सी भी अभी तक नॉर्मल है। हमारे करेक्टर जो है वो गायब तो हुआ लेकिन नजर नहीं आया, लेकिन इस दफा ये डोर ओपन हो गया, लास्ट टाइम ये डोर ओपन नहीं था, और मैं सिर्फ यही कहने वाला था। और भाई इतना कैमरे के क्लोज आके क्यों खड़े हो गए हो आप, लिटरली एक दफा मैं थोड़ा सा ऐसे शॉक हो गया, मैंने जब इसका अचानक से चेहरा देखा, मैंने इसे डोर का आपको बता रहा, मैंने कहा लास्ट टाइम ये डोर ओपन नहीं था, अब ये डोर ओपन हो गया। मुझे इनकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच डी जो है ना वो समझ आ गई है, क्योंकि ये एक्चुअली तीन है, ठीक है, जो थर्ड है वो एक्चुअली गिनती में नहीं आ रहा, वो ये थर्ड की इसको बिठाया हुआ है, और जो बाकी दो हैं वो हमें जो है शो होते हैं, लेकिन जो थर्ड है वो हमें स्केयर करता है, हमें उससे जो है ना थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। और सी जो है वो नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है, ए में तो वैसे ही वो अपना स्टिल बैठा हुआ है, और यही अच्छी बात है भाई, स्टिल बैठा हुआ है तो फोर को जो है हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ए और बी में दोनों स्टिल नॉर्मल है, ए बी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है, फाइव में अब थोड़ा सा दूर हो गया, पहले कैमरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, और ए में तो वैसे ही नॉर्मल है। मुझे अभी भी साउंड हुई थोड़ी सी ऐसे लिटरली साउंड हुई, तो मैंने चेक किया जस्ट, बी नॉर्मल है, ए भी नॉर्मल है, बी भी एक्चुअली नॉर्मल जा रहा है, सी में अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा मुझे वेंट से साउंड आती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा ना कोई वेंट खोल कर सीधा है तो नहीं, यहाँ नहीं, मेन डोर की तरफ भी नहीं है, तो यही मुझे फिर साउंड आ रही है यार, वेंट की साउंड आ रही है बार बार, ए में वैसे नॉर्मल, बी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सी में नज़र नहीं आ रही, इस दफ़ा तो करेक्टर नज़र ही नहीं, फाइव में है, थ्री में नहीं है, बी में भी नहीं है, फोर जब सेवन में तो नहीं, कहीं सेवन में भी नहीं है, हमारे एक करेक्टर लिटरली गायब हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ गया, यहाँ फाइव में है, स्टिल खड़ा हुआ है, और अब मुझे बार बार वेंट से क्यों साउंड आ रही है यार, इस दफ़ा क्या वेंट से डराओगे भाई तुम, फाइव में नॉर्मल है, सी बी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बी नॉर्मल है, ए तो वैसे ही है वो स्टिल बैठा हुआ है, डम डम थोड़ी सी साउंड आई, थ्री में मौजूद है भाई, वो यहीं स्टिल है, पहले तो फाइव में स्टिल था, अब थ्री में आ गया, लेकिन टू बी में भी कोई नहीं है, फोर ए में मौजूद है, इसी करेक्टर को मैं ढूंढ रहा था, और फाइनली मिल तो गया ये फाइव, एक्चुअली थ्री में भी नहीं है, पहले फाइव में था, अब तो लिटरली ऐसा हो रहा है कि पहले मुझे दोनों ही करेक्टर नज़र, अब तो ब्लैकआउट हो गया,
मुझे एक दफ़ा और चेक करना है कि लिटली मैं तो गेट की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो खड़ा हो यहाँ पे मेरे करीब आ जाए जब मैं कैमरास को जस्ट चेक कर रहा हूँ। बी और सी जो है नॉर्मल हैं, एंड वंस अगेन अभी तक गेट भी नॉर्मल है। 7, 6, 6 ऐसे ब्लैक आउट जा रहा हमारा, ओपन हो जाए भाई। मुझे देखा, मुझे ऐसे सिर्फ शक हुआ और मैं जस्ट चेक करने के लिए मैं आ गया था यहाँ पे, लाइट ओपन की और जिस तरह वो गायब हो गया। सुबह के 3 बज रहे हैं अभी तक, ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ 3 घंटे और काम करना है, उसके बाद हमारी जो है वो शिफ्ट चेंज हो जाएगी। कैमरा तो ब्लैक आउट, कैमरा ए कैमरा बी में नज़र आ गया। कैमरा लास्ट टाइम तो भाई मैं जस्ट कैमरा चेक कर रहा था और वो पिकअप करने आ गया था मुझे। हर डर लगता है भाई जब अचानक से अब लग किसी को धप्पा कर दो, डरता तो है यार, हर कोई डरता है। 3 में 3 कैमरा भी बंद हो गया था मेरा। दोबारा से हमारी जो स्क्रीन ओपन हो गई है, 2B 2A में वैसे का वैसा ही वो खड़ा हुआ है, यही अच्छी बात है। कैमरा फाइव में दफा नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम मुझे बी में नज़र आया था। कैमरा ए वैसे मुझे यार बार बार चेक करना पड़ रहा है लिटली। कैमरा 1B इज़ अ नॉर्मल, सी भी लास्ट टाइम सी में वो खड़ा हुआ था, इस दफ़ा नहीं है, इस पर्दे के पीछे था, अब नहीं है, यहाँ पे 5 में है और 4A में। लेकिन मुझे थर्ड करेक्टर अभी तक इसका हिलता हुआ मूव करता हुआ नज़र नहीं आया। कैमरा 7 वंस अगेन एंड 2B 2 A B और AC में भी कुछ नहीं है, 3 में भी कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा शक हुआ और मैंने कहा जस्ट चेक कर लूँ सेफ्टी के लिए। मुझे फिर दोबारा ऐसे फील हुआ, अभी तक तो कोई नहीं है, यही अच्छी बात है। 5 भी नॉर्मल है, 1C भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, 1A भी नॉर्मल है, A नॉर्मल है क्योंकि वो अभी टेड वहीं बैठा। लेकिन मुझे यहाँ कुछ नज़र आया, यहाँ पे अच्छा ऐसी है, खाली है। सी एंड 3 भी जो है वो नॉर्मल है, AB। ये थर्ड टाइम हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि भाई उसने अचानक से जो है स्केयर कर दिया। तो जैसे मैंने वो बताया था, जिस तरह आप थोड़ी सी गेम अगर आप खेलेंगे ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और यही गेम की अच्छी बात है कि आप नज़र सॉफ्ट आ रही है लेकिन जो थोड़ी सी आप खेलेंगे उसके बाद हार्ड हो जाएगी गेम, ये एक अच्छी बात है इसकी गेम की। मुझे अच्छी लगी ये गेम, इस गेम को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से, क्योंकि एक तो ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो गई है, दूसरी बात ये कि ये गेम थोड़ी सी हार्ड हो रही है, ये मुझे अच्छा लगा कि गेम एक्चुअली हार्ड हो रही है। मैं चला न्यू वीडियो बनाने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाना, सपोर्ट करने में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही।